तू अपने लड़के की शादी में बुलाएगी ना? भैया ये क्या बात बोल रहे आप, जरूर जरूर। अच्छा? आपको अभी तक नहीं पता चला कि आप मेरे लिए क्या हो? नहीं पता चला? मैं ऐसे इतने ऑडियो भेजती हूँ कि आपको कहाँ भेजती हूँ अपना, मैं क्या बताऊँ आपको कि कितना मतलब आपको क्या मानती हूँ क्या समझती हूँ तभी तो भेजती हूँ। एक बात बताऊं, मैं पिछले जन्म में एक बार बंगाली था, किसी जन्म में मैं अपने जन्मों को देख रहा था, उत्तराखंड की, तो मैं बंगाली था तब, तो मैं गीता पढ़ता हूंगा, तो मैंने पूरी बंगला में पूरी गीता अपने पूरे उस पे पढ़ी, पूरी की पूरी, पूरी रात, मतलब दीवारों पे भी गीता के श्लोक लिखे हुए थे, अर्थ भावार्थ भी लिखा हुआ था बंगला भाषा में, तब मैं उसको पढ़ रहा था, मैंने पूरी रात बंगला पढ़ी उस रात, और गीता पढ़ी, और मैं गीता में बंगला में क्या कहते हैं उसमें भाषा में, बंगाली भाषा में, बंगला है ना वो, गीता पढ़ के मैं सवेरे ये भूल गया, बंगाली बोलनी भूल गया, अब पूरी रात मैं बंगाली बोलता रहा, ओचे पिछले जन्मों का ऐसा संस्कार आ गया, पूरी रात बंगाली में बात करता रहा, और कई बार तो ध्यान सा टूटता था, ऐसे लगता था जैसे मैं स्टूल में भी बोल रहा हूँ, आगे ना जैसे कमरे के अंदर मैं बोल के बोल रहा हूँ जोर जोर से, फिर वो खत्म, ममता दीदी के देश से सवेरे में दिल्ली में हो गया भैया। गुरु जी एक चीज याद रहेगी, रसगुल्ला, रसगुल्ला, ओ बहन जी बंगाल से रसगुल्ला लेके आई मेरे लिए, ये भी रसगुल्ला लेके आई, रसगुल्ला, दोनों बंगाल, रसगुल्ला, रसगुल्ला, गुल्ला, तेरा तो मुझे पता है, और तू लेके भी आती ना तो सड़ा देती उसको, यहाँ तक वो बदबू आने लगती, मैं खा नहीं पाता, फिर दर्द कहाँ है अभी, मतलब तूने चल चल के अपना वेट घटा लिया, कमाल है तेरा, कितना वजन घटा? कितना? समझ में आ गया ना, ये जो पैर को तो इतना परेशान करता है बीच बीच में, ये जो विदेशी टैबलेट, ये जो विदेशी टैबलेट है, पहले मैं नहीं 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 पहले मुझे क्या, ये कोई बात है बोला भाई, तो पहले बहनों को खिलाते हैं, रक्षाबंधन का दिन थोड़ी ना है, खिलाऊंगी आपको, मैं खिलाऊंगी मेरे प्यारे भैया को। पता नहीं मुझे अपनी बहनों का समझ में नहीं आता, ये गोल गप्पा जब खाती है तो इतना बड़ा मुंह खोलती है। मैं खा नहीं पाती हूँ, मैं मिठाई का इतना सा टुकड़ा देता हूँ तो मुंह खोलती नहीं है, तब ऑटो को ऐसे करती है, हैं? कहाँ दर्द? कम हो रहा है थोड़ा सा, ऐसे चलते जयशन देव, कहाँ है दर्द? यहाँ पीठ पे। कहाँ गया? पीठ में आ गया। अपने आदमी को बता, चेस्ट में, और इधर भागता रहता है, मैं कौन बोलती हूँ भाग रहा है, इनको बोलते देखो इधर आया इधर आया। डॉक्टर को क्या कहेगा? क्या तो यही लगूंगा कि अपनी डिग्रियां बंद कर दो और रख दो और यहाँ आ जाओ, सनी धाम में सेवा दो, यहाँ पे आके दो, यहाँ पे आके और मंत्र जप करो, सीख के जाओ। मैंने इनको बोला था, मैंने की ऑपरेशन से पहले मैंने की मैं मनु भैया जी के धाम में जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ लेके चलो, मैंने इनको खुद ही बोला था, मैंने की वहाँ पे चलते एक बार देखते, और भैया जी मुझे घर में मेरे मंदिर है ना पूजा का, उसमें कोई दिखता है वो दारू की बोतल रखी रहती है और घर में मुझे दिखाई देता है। डॉक्टर को मत बता दिए, पागल बता देगा तुझे, पागल ही बोल देगा ना, अच्छा दिखाई देता है मुझे घर में, देखें तो डॉक्टर है बुजुर्ग, डॉक्टर लोग क्या है, कमीशन का काम करते हैं। अब ये बताओ तुम मुझे कि डॉक्टरों को अगर आप बद्दुआ देते हो तो किस प्रकार की दोगे? बंगाल में वर्धमान जिले में एक डॉक्टर है, वो एक रुपया में देखते हैं, ही इज 85 इयर्स ओल्ड, अभी भी एक रुपए में देखते हैं। उनका यूट्यूब पे चैनल है ना, यूट्यूब पे चैनल शायद मैंने वो यूट्यूब में देखा, वो बूढ़े से है, उन्हीं को मिला, एक रुपए में देखते हैं वो सभी को, सुबह से कतार लगी रहती है। अब लोगों ने 20 करा दिया, बीच में 10 कराया था, 20 करा दिया लोगों ने, क्योंकि दवाइयां तो महंगी हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं अस्पताल के बाहर में। नमस्कार, कितने परसेंट है? बहुत कम, और एक दो जने का मैंने नाम सुना था, बस हमारे भैया जैसा कोई ना, ना भाई ये तो बाबा हमारे लिए भगवान जैसे, भगवान नहीं है भैया जी,
आप ही हो जिनसे हमको तकलीफ से तकलीफ मिलती है मनुष्यों को, वही भगवान। मैंने देखा सभी भगवान है, कैसे सच्चे रास्ते है ना। भगवान में पांच तत्व आते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सभी में सभी में और असल भगवान, असल में देखा जाए तो भगवान भी असल है। किसी ने दिमाग लगाया है, इतना एनर्जेटिक है, ना से नीर, सुबह भोर, सुबह 5 बजे से लेकर के 4 बजे से लेकर के, इतना जो आप बीच बीच में खाते रहते हो और अभी को करते रहते हो, इतने ग्लास पानी पीते हैं, एक बार बाथरूम नहीं जाते, वो मैं कल रात में बोलूं, इतना एनर्जी कहां से मिलता है बाथरूम में, हां आप ग्लूकोज खाते हैं, मतलब कहने का है आप एक बात बताइए, अगर ऐसा एनर्जी ना हो तो हमारे गुरु जी को परम गुरु कैसे कहा जाए, परम पूज्य कैसे कहा जाए, और गुरु जी में हमारे में अगर ऐसी एनर्जी ना हो तो आप लोगों के दर्द कैसे कम हो। ये बंगाल से मेरी बहन कैसे आती, बहन हंस के दिखाओ, बिल्कुल नो डाउट, इसमें जितनी तारीफ भैया हमारा ना वहाँ दिल भी नहीं लगता, मैं और मेरे बेटे का एक ही काम रहता है, धाम जाएंगे लेकिन हम फंसे रहते हैं, आ नहीं पाते मोह माया में, मोह माया समझ लो तो वो भी है ना अपने, वो तो जिम्मेदारी भी निभानी है ना, अभी है ना, अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, हस्बैंड ड्यूटी जा रहे हैं। इसके पति ने भी कह दिया कि मैं अगर एक बार रिटायर हुआ तो ममता हम दोनों चलेंगे कहाँ, दिल्ली, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। और हम निकल रहे हैं शनि धाम को लेके हरियाणा, तब क्या करेंगे, हम वहाँ भी आएंगे, जहाँ हमारे भैया जाएंगे हम आएंगे, अभी तो भैया ये मिला है यहाँ जाएंगे, अभी तो रिश्ता जुड़ा है, अभी निभाएंगे, अगर मैं कल भी मैं पूरी दर्द फिर, बोलो शनिदेव महाराज की, बोलो परम पूज्य मनु भैया जी की, बोलो परम पूज्य गुरु माता जी की, बोलो बालाजी महाराज की। तेरे पेट में इतना तत्व धसा हुआ था, इतनी गहराई से धसा हुआ है, इसको निकालने की जरूरत है, इसलिए समय लगता है लोगों पे, लोग समझते हैं हम एक दिन में ठीक हो जाए, लेकिन आपका कण कण अंश अंश ग्रहण किया हुआ है, तो मेरी बहना समय दो अपने शरीर को भी भगवान को भी, ठीक है, तो ठीक है, तो ये कहते हैं भैया जी मुझे से कोई बोलता है कि मैं वरदानी हूँ, कभी कोई निकाल नहीं सकता तेरे शरीर से, इसकी ऐसी तैसी, जो वरदानी तो अपने आप है, जब आज तक छेड़ा नहीं गया, आज पहली बार घुसे लगे, ठीक है, रात को तेरे को ये वरदानी दिखाई देगा, तू इसके चेहरे से पढ़ लियो कितना वरदानी है, रात को परम पूज्य मनु भैया जी को याद करके सोना, ये वरदानी को फिर और वरदान देंगे गुरु जी आके। और ये लड़का है इस पे तो हावी हो जाता है, बोलता जिंदा रहेगा जब तक, इसको छोड़ूंगा नहीं साथ इसका, ये भाव लड़का है, क्या नाम है बेटा तुम्हारा, दीपक शर्मा, आज के बाद परम पूज्य मनु भैया जी का नाम लेके सोओगे, ठीक है, इसकी भी रिपोर्ट रखी है वायरस की, चलिए हो गया, आता जाता महीना भर हो गया पूरा शरीर, जय शनिदेव, बोलो जय शनिदेव, जय शनिदेव।